फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है उसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 8 का मैथ। आपका चैप्टर है 6 और एक्सरसाइज है आपका 6.2 और आपका पेज नंबर 108 का आपका क्वेश्चन नंबर 2 हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जो उसका पूरा हम घनमूल जो ज्ञात करना था वो हम पूरा घनमूल ज्ञात कर चुके हैं और हम टोटल 1 घंटे की वीडियो बनाया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे इस संख्या को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करें। मतलब बोल रहा है कि एक आपका संख्या दिया हुआ है, ओके, एक संख्या दिया हुआ है वो क्या है आपका अपूर्ण है, मतलब कि 320 दिया हुआ है। अगर इसको आप लोग घनमूल निकालिएगा तो ये जोड़ा तीन तीन का पूरा जोड़ा नहीं बन पाएगा, उसमें से कोई जोड़ा बनना बाकी रह जाएगा, अपीयर्स बनना बाकी रह जाएगा। इसी कारण से क्या बोल रहा है कि हमको सबसे छोटी से छोटी नंबर बताइए, छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे हम उस नंबर में जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पूर्ण घन बन जाए, ठीक है, यानी कि 320 पूर्ण घन बन जाए। और 320 पूर्ण घन बन जाए कितना से मल्टीप्लाई करने पे, छोटी से छोटी संख्या से, ओके, और उससे गुना करने पे इससे, और जितना आपका आया है जितना से आप गुना किए थे कि 320 पूर्ण बन गया, उन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करके और आपका क्या कर देना है, घनमूल निकाल देना है, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है 320, तो इसको आप लोग क्या कीजिए, इसको आपको चेक करना है कि ये पूर्ण है कि नहीं है, तभी तो आप, अगर पूर्ण रहेगा तो बहुत अच्छी है, अगर आप पूर्ण रहेगा तभी तो आप इसको पूर्ण बना पाइएगा ना, इसको घनमूल निकाल कर। तो सबसे पहले इसको घनमूल निकालिए, सबसे पहले इसको 2 का टेबल से लगाइए, कितना बार में लगेगा, तो ये लगेगा 162 बार में, फिर 80 बार में, फिर 40 बार में, फिर 20, फिर 10, फिर 5, फिर 1, ठीक है। इधर हम क्या किए, लिख दिए। अब आप लोग क्या कीजिए, इधर वाला जितना बचा हुआ वो सबको यहाँ पे लिखिए, 2 है लेकिन केठो 1 2 3 4 5 6 2 है, तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, और 5 के 2 है 1 2 है, तो आप लोग 5 को लिख दीजिए। अब देखिए कि आपको पता होगा कि घनमूल में 3 का एक जोड़ा बनता है, ठीक है, इसको आप लोग क्या कीजिए कि अगर 2 को जोड़ा बनाना है तो 2 3 ठो होना चाहिए, तब उसमें से 1 ठो 2 निकलेगा, ठीक है। तो इन लोग तीनों में से तो 1 ठो 2 निकल गया बाहर, फिर लोग तीनों में से 1 2 बाहर निकल गया, लेकिन 5 बेचारा अकेला बच गया, इसका कोई नहीं है दोस्त साथी, कोई नहीं है, इसी कारण इसको हम लोग क्या करेंगे, ये दोस्त अपना मांग रहा है ना, इसी कारण से इसको हम लोग दोस्त दे देंगे। तो कितना दोस्त देंगे, 2 ठो दोस्त देंगे, और कितना कितना वाला, तो 5-5 वाला, यानी कि 5 ना इनकम्प्लीट है, अधूरा है 5, तो इसमें कितना और 5 लगेगा, तो 2 ठो और 5 लगेगा, और 1 ये है 3, और आपको घनमूल में कितना क्या पेयर्स बनता है 3 का, तो आपका 1 तो पेयर्स बन जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको 5 into 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 5 5 25। अभी आपका क्या हुआ, पूर्ण बन गया ना 25। अब क्या हुआ कि 320 पूरा पूरा पूर्ण बना है, यानी कि हमको 320 को पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना पड़ा, 25 यानी कि 25 से गुना करना पड़ा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कि 320 है उसको हम लोग 25 से गुना करते हैं, तो आप लोग 320 से आप लोग 25 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसका आपको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 8000 यानी कि 8000। तो इसको अब आप लोग क्या कीजिए कि 8000 तो आ गया, इसको अब आप लोग घनमूल ज्ञात कीजिए,
क्योंकि यहाँ तक तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गई यहाँ से यहाँ, लेकिन क्या हो रहा है कि पूर्ण घन संख्या का जो पूर्ण घन संख्या बना था ना, तो पूर्ण घन कौन बना था 320। तो 320 को आपको क्या करना है, आपको 25 में गुना करना है 320 को, और जितना उससे आंसर आएगा ना आपका तो कितना आया 8008। ठीक है आपका 8, आपका 8000 आया। तो अब आप लोग क्या कीजिए, इसको 8000 का घनमूल निकाल दीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहा है कि जो पूर्ण घन बना, तो पूर्ण घन कौन बना था, 320 बना था, तो इसी का ना हम लोग घनमूल निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोग 320 का घनमूल निकालेंगे वापस से, तो फिर से तो यही वाला रिपीट हो जाएगा ना, यानी कि आपका 320 का नहीं, जो पूर्ण घन बना और उसमें मल्टीप्लाई कीजिए जितना पूर्ण घन बनाने के लिए आप लोग मल्टीप्लाई किए थे, और दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग वहां पे लिखिए और उसका घनमूल निकाल लीजिए। तो कितना आया 8000, यानी कि 8000। तो 8000 का आप लोग क्या कीजिए, घनमूल निकालिए। यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यहाँ इस वजह से हम यहाँ पे लिखते हैं। टू से 400, यानी कि 4000 बार में, फिर टू से 2000 बार में, फिर टू से 1000 बार में, फिर टू से 500 बार में, फिर टू से 250 बार में, फिर दो से लगाएंगे हम लोग कितना बार में, तो इसको हम लोग लगाएंगे 125 बार में, फिर फाइव से कितना बार में, 25 बार में, फिर फाइव से 5, फिर फाइव से 1। यानी कि हम आप लोग क्या किए कि जो 8000 आया था उससे हम लोग उसका घनमूल निकाल दिए। अब तीन का क्या पेयर्स बना लीजिए, इन लोग तीनों में से एक बाहर, तो एक ठो दो बाहर आएगा, फिर इन लोग तीनों में से एक ठो दो बाहर, एक ठो दो बाहर आएगा, फिर इन लोग तीनों पांच में से एक ठो पांच बाहर, तो एक ठो पांच, फिर सबको गुना कर दीजिए, 2 2 4 4 5 20, यानी कि 20। तो इसका 20 क्या हुआ, 20 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है तो आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फिर देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है वो हम आपको नहीं बताएं क्योंकि वो आप लोग खुद से बनाइएगा, ओके। फिर देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन है 243, यानी कि 243। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, सबसे छोटा टेबल से लगाइए। तो सबसे छोटा टेबल कितना है, सबसे छोटा टेबल है आपका, तो आपका 2 है, तो इसको 2 का टेबल से लगाइए। तो 2 का टेबल से लगेगा क्या ये, नहीं, क्यों, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल से पहचानने का नियम है कि जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 0 रहे वही सिर्फ टू से लगेगा, लेकिन इसके अंत में तो वो सब में से कुछ नहीं है, इसका मतलब कि ये 2 से लगेगा नहीं। अब हम 3 से देखते हैं, तो 3 से देखते हैं हम, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है कि दी हुई संख्या को आपस में जोड़िए, सबको जोड़ने से जो आंसर आएगा ना उसको 3 का टेबल से आप लोग क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा। अगर वो 3 का टेबल में आता है तो समझिए कि ये नंबर भी आपको 3 का टेबल में आएगा। तो देखते हैं जोड़ करके, 2 4 6 6 3 9, जो कि 3 का टेबल में 3 बार में आता है, यानी कि 243 भी आता है आपका 3 का टेबल में। तो 3 का टेबल में 24, 8 बार में, 3 1 बार में, फिर 3 का टेबल से लगाइए, वो कैसे, क्योंकि 8 1 9, जो कि 3 का टेबल में आता है, इसे 27 हो जाएगा। फिर 3 का टेबल से लगाइए कितना बार में, 9 बार में, 3 का टेबल से 3 बार में, फिर 3 का टेबल से 1 बार में। ठीक है तो अब आप लोग क्या कीजिए कि इधर वाला जितना बचा वो सब को आप लोग पहले यहाँ पे लिखिए। 3 3 है लेकिन कितना ठो है, 5 ठो, 3 × 3 × 3, आपको पता है कि 3 का एक क्या पेयर्स बनता है, यानी कि 3 का एक जोड़ा बनता है, 3 का एक पेयर्स बनता है। तो आप लोग 3 ठो में से 1 ठो 3 को बाहर निकाल दीजिए। अब बचा कौन, सिर्फ 2 ठो 3 बचा। अगर इसके पास एक और 3 रहता तभी ये भी तीनों मिल करके 1 3 को बाहर निकालता, लेकिन अफसोस इसके पास तो है ही नहीं। तो क्वेश्चन वही तो बोल रहा है कि दिया हुआ है, अगर नहीं है तो आप उसको लाइए और लाकर पूर्ण घनमूल बना दीजिए, पूर्ण घन बनाइए। तो हम एक और 3 लाएंगे, यानी कि 243 को पूर्ण बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ा,
तीन से गुना यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिए कि 243 को कितने से आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो आप लोग 243 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 3 9, 4 3 12 का 2, 1 रहा कैरी, 2 3 6 6 1 7 यानी कि 729, 729। इसको आप लोग क्या कीजिए कि अब आप लोग इसका घनमूल निकालिए यानी कि घनमूल ज्ञात कीजिए। इसको आप लोग 729 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटा टेबल से लगाइए, तो सबसे छोटा टेबल कितना है, सबसे छोटा टेबल है 2। तो क्या ये आपका 2 का टेबल से लग सकता है कभी, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 का टेबल से लगने के लिए आपका क्या होना चाहिए, इसमें इसके अंत में होना चाहिए 2 4 6 8 0, जो कि इसके अंत में बिल्कुल नहीं है। 3 का टेबल से तो 7 2 9 9 9 18, जो कि 3 का टेबल में 6 बार में आता है, यानी कि 3 का टेबल से 729 लग जाएगा। तो 3 का टेबल से लगाइए, 3 का टेबल में 7 नहीं आता है, इसी कारण 2 बार में 6, इसमें कितना बचा 1, तो बगल वाला को कैरी कितना 12, तो 3 का टेबल में 12, 4 बार में, फिर 3 का टेबल में 9 आता है 3 बार में, फिर 3 का टेबल से लगाइए, 3 का टेबल में आता है आपका 2 4 6 6 3 9, जो कि 3 का टेबल में आता है, तो 3 का टेबल में 24, 8 बार में, 3 1 बार में, 3 का टेबल से 27 बार में, फिर से 3 का टेबल से 9 बार में, फिर 3 का टेबल से 3 बार में, फिर 3 का टेबल से 1 बार में, और इधर वाला सारा को यहाँ पे लिखिए। 3 है लेकिन केठो 6 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 केठो लिखेंगे 6, और हम लोग क्या करेंगे इसमें से कि 3 का एक अपीयर्स बना के बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो 3 3 बाहर आ जाएगा, तो 1 3 बनेगा, फिर ये सब में से 1 3 बनेगा, 3 3 से कितना होता है 9, तो इसका आंसर क्या हुआ 9, यानी कि पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना पड़ा, हमको 3 से गुना करना पड़ा, लेकिन घनमूल इसका कितना आया, तो इसका घनमूल आया 9। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन मीन्स फोर्थ क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन तो हम छोड़ दिए थे सिर्फ आपके लिए। फिर देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन है 675 यानी कि 656। तो आप लोग इसको क्या कीजिए कि सबसे छोटा टेबल से लगाइए, क्या बनाने के लिए, तो पूर्ण घन बनाने के लिए। तो सबसे छोटा टेबल कितना है 2, तो 2 का टेबल से क्या ये लग रहा है, तो नहीं, क्यों, क्योंकि 2 का टेबल से लगने के लिए इसके अंत में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, तो 6 या 8 या 0, लेकिन ये सब में से इसके अंत में कुछ भी नहीं है, इसी कारण 2 का टेबल से बिल्कुल नहीं लगेगा। 3 का टेबल से लगते हैं, तो 3 का टेबल से सबको जोड़िए, तो 6 और 7 कितना होता है, तो 6 और 7 होता है 13 यानी कि 13, 13 और 5 कितना होता है आपका, 13 और 5 होता है 18 यानी कि 18। 3 का टेबल से लगाइए, 3 का टेबल में 6 2 बार में, 3 का टेबल में 7 नहीं आता है, इसी कारण 6 2 बार में, इसमें कितना बचा 1 यानी कि 10, 1 कितने के बराबर होता है 10 कैरी के बराबर, तो बगल वाला को कैरी दे देगा, तो ये कितना है 5, 10 5 15, 3 का टेबल में 15 5 बार में। फिर देखिए कि अब कौन सी टेबल से लगेगा, 2 का टेबल से लगेगा क्या ये, तो 2 का टेबल से नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंत में क्या नहीं है, 2 4 6 8 0 नहीं है, जो कि 2 का टेबल से लगाने के लिए होना चाहिए। तो 3 का टेबल से 2 2 4 4 5 9, तो 3 का टेबल से लगेगा, 3 का टेबल में 21 नहीं आता है, इसी कारण हम लोग इसको क्या करेंगे, तो इसको हम लोग लगाएंगे 7 बार में 21, तो इसमें कितना बचा 1 यानी कि 1, तो बगल वाला को कही तो 15। फिर कौन सी टेबल से लगेगा, 2 का टेबल से तो लगेगा नहीं अपर में, इसी कारण से इसको हम लोग 3 का टेबल से लगाएंगे, कि 7 और 5 कितना आता है 12, जो कि 3 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में 7 नहीं आता है, इसी कारण 2 बार में 6, इसमें कितना बचा 1, तो बगल वाला को कैरी तो 15। फिर 5 का टेबल से 5 बार में, फिर 5 का टेबल से 1 बार में। अब इधर वाला को सारा लिखिए, 3 केठो है 3 ठो, 3 2 3 3 5 केठो है 2 ठो, 5 5। अब देखिए कि ये तीनों मिलके एक ठो तो जुड़वा निकाल लेगा 3,
लेकिन एक तो और फाइव रहता तभी आपका पूरा पूरा क्या होता 675 आपका पूर्ण घन बन जाता। लेकिन एक और फाइव नहीं है तो वही तो आपका क्वेश्चन बोल रहा है, आप लोग एक और फाइव को लगा दीजिए। तो हम हैं जो क्या किए, एक और फाइव को लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, फाइव से गुना यानी कि 675 को पूर्ण बनाने के लिए फाइव से गुना करना पड़ेगा। अब आप लोग क्या कीजिए कि 675 और 5 का गुना कीजिए और 675 यानी कि 675 को और 5 को दोनों को जितना गुना करके आएगा उससे आप लोग क्या कीजिएगा, उसका आप लोग क्या कीजिएगा, घनमूल निकाल दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो वही बोल रहा है। तो गुना करने पे कितना आएगा 675 और आपका 5 का, तो आप लोग गुना कीजिए, हम भी गुना करते हैं। तो गुना करने पे आपका आएगा 3375 यानी कि 3300 आपका 75। तो आप लोग यहाँ पे लिखिए 3375, क्योंकि देख लीजिए 5 5 जा 25, 25 को 5 2 रहा कैरी, 7 5 जा 35, 35 को 2 कैरी 37, 37 का 7 3 रहा कैरी, 6 5 जा 30 यानी कि 30 और 3 कैरी यानी कि 33, तो हो गया आपका। अब आप लोग क्या कीजिए कि 3375 का आप लोग घनमूल निकाल दीजिए। तो इसको आप लोग क्या कीजिए कि सबसे छोटा टेबल से लगाइए, तो सबसे छोटा टेबल कितना है, तो सबसे छोटा टेबल आपका हो जाएगा 2। तो क्या 2 का टेबल से लग रहा है, तो नहीं, इसी कारण हम लोग इसको 3 का टेबल से लगाएंगे। 3 का टेबल से लग रहा है तो 3 3 कितना होता है, सॉरी 3 3 6, 6 और 5 7 कितना होता है 13, 13 और 5 18 जो कि 3 का टेबल में आता है। इसी कारण हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 का टेबल से लगा देंगे। 3 का टेबल में 3 1 1 2 5, अब 2 का टेबल नहीं लगेगा तो देखते हैं कौन से टेबल से, 1 1 2 2 और 2 कितना होगा 4 4 5 9, तो फिर 3 का टेबल से लगाइए। 3 का टेबल में आपको कितना आता है, 11 नहीं आता है, इसी कारण 3 बार में 9, इसमें कितना बचा 2 यानी कि 20 20। तो बगल वाला को कहे तो कितना हो जाएगा, 20 2 22, 3 का टेबल में 22 नहीं आता है, इसी कारण 7 बार में 21, इसमें कितना बचा 1, तो बगल वाला को कह रही तो 15 यानी कि 15, 3 का टेबल में 15 5 बार में। अब ये कौन सी टेबल से लगेगा, देखिए 2 का टेबल से तो लगेगा नहीं, तो 3 का टेबल से देखते हैं, तो 3 और 7 10 10 5 15 यानी कि 15 जो कि 3 का टेबल में आता है। तो 3 का टेबल में 3 1 बार में, 3 का टेबल में 7 नहीं आता है, इसी कारण 2 बार में 6, इसमें कितना बचा 1, तो बगल वाला को कह रही तो 5 हो जाएगा। फिर आपका कौन सी टेबल से लगेगा, 3 का टेबल से नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि 3 का टेबल में ये सब 8 जोड़ने पर आ रहा है जबकि 3 का टेबल में 8 नहीं आता है, इसी कारण 3 का टेबल से भी नहीं, 4 का टेबल से भी नहीं लगा, क्योंकि पीछे से 2 नंबर आपका जो 4 का टेबल में आया वो आपका पूरा नंबर 4 का टेबल से लगेगा, तो कोई तो है नहीं। 5 का टेबल से लगेगा तो 5 का टेबल से 25 बार में, फिर 5 बार में, फिर 5 बार में। अब देखिए 3 का एक पेयर्स निकल गया, फिर यहाँ पे 3 का एक पेयर्स निकल गया, 3 में से 5 निकल गया, कितना हुआ 15 इसका आंसर, यानी कि 15 इसका आंसर हो गया। आप लोग तो इसका आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए और हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है आपका, फिर देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन है 432 यानी कि 432, तो इसको आप लोग सबसे छोटा टेबल से लगाइए, तो सबसे छोटा टेबल कितना है 2, तो क्या 2 का टेबल से 432 लगेगा, तो हाँ लगेगा, कितना बार में, तो देखिए हम लगाते हैं इसको, पहले ये जानिए कि कैसे लगेगा, क्योंकि इसके अंत में 2 4 6 8 0 होना चाहिए 2 का टेबल से लगाने के लिए, जो कि इसके अंत में क्या है 2, इसी कारण 2 का टेबल में 4 कितना बार में 2 बार में, 2 का टेबल में 3 नहीं आता है, इसी कारण 1 बार में 2, इसमें बचा 1, तो बगल वाला को करी तो 6 12 यानी कि 6 बार में, फिर 2 का टेबल से लगाइए तो कितना बार में 108 बार में, फिर 2 का टेबल से तो 54 बार में, फिर 2 का टेबल से लगाइए, 2 का टेबल में 5 नहीं आता है, इसी कारण 2 बार में कितना 4, इसमें कितना बचा 1, तो बगल वाला को करिए तो 14 यानी कि 27। अब आप लोग इसको 3 का टेबल से लगाइए 9 बार में, फिर 3 का टेबल से 3 बार में, फिर 3 का टेबल से इसको 1 बार में,
फिर देखिए किधर वाला सारा लिखिए, दो के टू है चार ठो, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तीन के टू है तीन ठो, टू इंटू टू इंटू सॉरी तीन तीन ठो है ना, तो लिख दिए। अब आप लोग क्या कीजिए कि इसमें से कि आपको पता है कि एक पीएस बनाने के लिए, जोड़ा बनाने के लिए आपका एक जैसा नंबर तीन ठो होना बहुत जरूरी है, तभी उसमें से एक नंबर निकल पाता है। तो ये सब में से तो एक निकल जाएगा और दो ये वाला में से भी निकल जाएगा, लेकिन बात रहा किसका, तो बात रहा इसका, इसका सिर्फ अगर दो और रहता दो ठो तो हम क्या होता, ये आपका पूरा पूरा लग जाता। तो क्वेश्चन वही तो बोल रहा है, आपको लगाना है खुद से। तो टू को टू इंटू टू लिखिए, कर दीजिए, तो टू अगर तीन ठो हो गया ना, टू इंटू दो ठो हम लगा दिए दो, तो आपको कितना हो गया, आपका पूरा पूरा तीन ठो हो गया, यानी कि 432 को पूर्ण बनाने के लिए हम लोग क्या किए कि चार से गुना किए, ठीक है। तो आप लोग आप क्या कीजिए कि 432 को चार से गुना कीजिए, 4 2 8, 4 3 12 का 2 1 रहा कैरी, 4 4 16 1 17, यानी कि 1728 1728। तो आप लोग इसका क्या कीजिए, अब आप लोग इसका एलसीएम निकाल दीजिए। तो एलसीएम कितना बार में निकलेगा, 1728 का एलसीएम निकालिए। तो इसको सबसे पहले छोटे टेबल से लगाइए, यानी कि 2 से, 2 का टेबल से लग जाएगा। तो जी हाँ, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है 8 है, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है कि जिस नंबर के अंदर 2 4 6 8 0 है वो 2 से लगेगा। तो इसके अंदर में तो 8 है, तो ये तो आपका 2 का टेबल से लगेगा। तो 2 का टेबल में 17 यानी कि 17 नहीं आता है, इसी कारण हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको लगाएंगे, तो इसको लगाएंगे 6 बार में कितना, तो हम लोग इसको लगाएंगे सॉरी 8 बार में 16, तो इसमें कितना बचा 1 यानी कि 10, तो बगल वाला को कैरी देगा, तो 10 to 12, तो 2 का टेबल में 12 6 बार में, फिर 2 का टेबल में 8 कितना बार में 4 बार में, फिर 2 से डिवाइड दीजिए, 2 का टेबल में 4 4 बार में, 2 का टेबल में 8 4 बार में, 2 का टेबल में 6 3 बार में, फिर 2 का टेबल में 4 2 बार में, फिर 2 का टेबल से 2 1 6, फिर 2 का टेबल से कितना बार में लगेगा 54, फिर 2 का टेबल से कितना बार में, तो 27 बार में, फिर 3 का टेबल से लगाइए 9 3 3 3 का टेबल से 1 बार में। अब देखिए आपका पता है कि तीन में से एक का पीयर्स बनता है, कि एक जैसा नंबर अगर तीन ठो रहेगा तब उसमें से एक ठो जोड़ा बन के निकलेगा, यानी कि दो है जो तीन ठो होना चाहिए तब उसमें से एक दो निकलेगा, यानी कि इन लोग में से एक दो तो निकल गया बाहर, फिर ये वाला में से भी दो ठो एक बाहर निकल गया तीन में से, फिर ये वाला में से भी एक निकल गया। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 4 और 4 थ्रीजा कितना होता है 12, तो 12 इसका आंसर हुआ, यानी कि आपका पूर्ण घन बनाने के लिए 432 को कितना से गुना किए 4 से, और फिर घनमूल आप कितना आया घनमूल आपका, तो 12 इसका आंसर आया। तो आप लोग थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। तब तक आप लोग इसको, आप लोग इसको कॉपी में नोट कीजिए और हमेशा आप लोग रिविजन करते रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक्स।